ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा शहर के सदर कांटे से नदीपुरा तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया और रस्म अदायगी की गई, जो कि हर बार की जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। शहर में नगर पालिका अतिक्रमण हटाओ अभियान तो चलती है, लेकिन धरातल पर इसका असर मात्र कुछ घंटे के लिए ही दिखता है और फिर सब कुछ फिर से दिखाई देने लगता है। नगर पालिका प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले गरीबी और बेरोजगारी में अपना घर का गुजर बसर करने वाले लोगों को पहले शहर में वीरान और बेजान पड़ी नगर पालिका की जमीनों पर उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, जिस पर नगरपालिका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, जिससे अतिक्रमण लगातार फैलता जाता है और लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। नगरपालिका का ये अतिक्रमण हटाओ अभियान देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबी भगाओ की जगह गरीबों को ही हटा दो। शहर के दुकानदारों द्वारा लाखों करोड़ों रुपए दुकानों में लगाकर उन्हें सजाकर तैयार किया जाता है, लेकिन शहर की सड़कें इतनी सक्रिय होती जा रही हैं कि दुकानदारों की दुकानों के सामने फोर व्हीलर वाहन तो छोड़ो, साइकिल रखने तक की जगह नहीं है। इन सब को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नगरपालिका परिषद की बनती है। आखिरकार उन्हें ये बात कौन समझाए? नगरपालिका के इस अतिक्रमण अभियान को लेकर शहर के लोगों और नगरपालिका अधिकारियों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस संबंध में आपके क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? मवेशी मार्केट नगर पालिका भी फ्री होल्ड कराई हुई जो अपनी संपत्ति है, इस पर कुछ लोगों ने अपना अवैध तरीके से मुकदमा कर रखा था। पहले डीजे कोर्ट से उनको स्टे मिल गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको फिर डीजे कोर्ट ने रिव्यू के लिए डाला जो है, जहाँ से मुझे कुछ दिन पहले लाभ मिल गया है जो है। अब हम लोग उनको आज अनाउंस भी करवा दिया कि अपना खाली करें जो है, नगर पालिका की संपत्ति 30 साल या उससे ऊपर चला रहे हैं जो है, अब हम लोग उसको खाली करा कर के वहाँ पर अपना एक भव्य मार्केट बनवाएंगे। कितने दिन का आपने नोटिस दिया है सर? एक सप्ताह का नोटिस देकर जो कर रहे हैं जो है, फिर इसके बाद 3 दिन की और नोटिस देंगे जो है, अगर नहीं खाली करेंगे तो बुलडोजर चला कर करके सब खाली करा जाएगा। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।